मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही रायसेन के सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में 20 दिनी विकास यात्रा निकाली गई और यात्रा के समापन अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शासकीय कन्या उमा विद्यालय परिसर में किया गया। यहां पर विधायक रामपाल सिंह राजपूत के द्वारा शासकीय कन्या उमावि में प्रयोगशाला भवन और निर्मित अतिरिक्त कक्षों का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। विकास यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामपाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण आबादी को घर पर ही नल के माध्यम से पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले महिलाओं को कुओं और हेडपंपों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब शहरों की तरह गांव में भी घर घर नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो पूरा अस्पताल का भी नक्शा आपको बताया था, बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा, सीएम राय स्कूल बन रहा है, यहाँ सब स्टेशन बहुत बड़ी बन गई और यहाँ पे आपके नगर परिषद का भी गठन हो गया, आईटीआई भवन अच्छा निर्माण हो चुका, ऐसे निर्माण कार्य हो चुके हैं और खोल रहे सड़क सिलवानी में, ऐसी सड़क चौड़ी बन गई है कि लोग अब बाहर के मेहमान आ रहे हैं तो वो पूछते हैं सिलवानी है पुरानी सिलवानी नई सिलवानी, लेकिन सिलवानी अपना क्षेत्र विकास में नंबर एक है। सड़कों के मामले में मकान भी सबके बनेंगे, उजला इलाका बहनों को लाभ मिलेगा, वह कहीं और भी सूची बन रही है, शौचालय से लेकर मकान उजला योजना छत वाले मकान ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी और इस तरह हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। किसान भाई बहन जो ही हैं उनको 6000 देश के लोग प्रधानमंत्री भेज रहे हैं सालाना,